एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें cos x की वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड करना है cos 3x। वी नो दैट हम जानते हैं cos 3x इज इक्वल टू 4 cos की पावर 3x माइनस 3 cos x। अब हम क्या करेंगे, cos x की वैल्यू को फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4 इंटू माइनस 2 अपॉन 5 का होल हाफ क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस का 2 अपॉन 5। 4 इंटू इसका क्यूब करेंगे तो ये बनेगा माइनस 8 अपॉन 125 माइनस 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये बनेगा 6 अपॉन 5। 4 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 32 अपॉन 125 प्लस 6 अपॉन 5। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम इक्वल करने के लिए 25 से नीचे मल्टीप्लाई और 25 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको ऐसे ही नोट करेंगे माइनस 32 अपॉन 125 प्लस 150 अपॉन 125 माइनस 32 प्लस 150 अपॉन 125 हमसे माइनस करेंगे तो ये बनेगा 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है cos 2x plus 2 sin square x is equal to 1। तो यहाँ पे हम cos 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे 2 sin square गिवन है तो cos 2x का ऐसा फॉर्मूला जिसमें 2 sin square x भी आता हो तो फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे cos 2x is equal to होता है 1 minus 2 sin square x। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है हमें और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x की जगह पे रखेंगे तो वो माइनस का दिया हुआ है और प्लस माइनस ये कैंसिलेट हो जाएंगे, क्या बचेगा 1। तो यहाँ अप्लाई करते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये प्लस माइनस दोनों कैंसिलेट हो जाएंगे, क्या बचा 1। यही हमें प्रूव करना था। सिक्स का सेकंड क्वेश्चन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव करना हमें है 1 माइनस साइन 2x। तो LHS को सॉल्व करते हैं तो cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर तो ये बन रहा है 1 माइनस b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो बनेगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x इंटू cos x। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1, तो 1 नोट कर लेंगे माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का और यही हमें प्रूव करना था।
सिक्स का थर्ड नंबर क्वेश्चन, कॉस टू एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू प्रूव करना है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो हम एल एच एस को लेते हैं, कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला नोट करते हैं, कॉस टू एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जहां पे कॉस टू एक्स होगा वहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कॉस टू एक्स की जगह पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक ब्रैकेट में होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और सेकंड ब्रैकेट में होगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन, इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे क्या है कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, इससे ये कैंसिलेट हो जाएगा, क्या बचा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आर एच एस, यही प्रूव करना था कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। सेवन क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है साइन टू एक्स अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स और हमें प्रूव करना है टेन एक्स। तो साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है साइन टू एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहां पे साइन टू एक्स है वहां पे अप्लाई करेंगे टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन। अब सबसे पहले नीचे क्या करेंगे, हम कॉस टू एक्स दिया हुआ है और कॉस टू एक्स में हम ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस टू एक्स का जिससे ये वन कैंसिलेट हो जाए, तो वन प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, माइनस वन और ये प्लस वन कैंसिलेट हो गया, क्या बचा टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स, टू से ये टू कैंसिल हो गया कॉस एक्स से इसकी एक पावर कैंसिलेट हो गई, क्या बचा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है टेन एक्स आर एच एस, यही प्रूव करना था हमें टेन एक्स। क्वेश्चन नंबर सेवन का सेकंड पार्ट है साइन टू एक्स अपॉन वन माइनस कॉस टू एक्स इज इक्वल टू प्रूव करना है कॉट एक्स। तो साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन। अब नीचे क्या करेंगे, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला ऐसा यूज करेंगे जिससे ये वन कैंसिलेट हो जाए, तो यूज करते हैं वन माइनस वन और माइनस माइनस प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स, वन से ये वन कैलकुलेट हो जाएगा, क्या बचा टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन टू साइन स्क्वायर एक्स, टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा साइन एक्स से इसकी एक पावर कैंसिलेट हो जाएगी, क्या बचा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट एक्स आर एच एस, यही आर एच एस में प्रूव करना था कॉट एक्स। क्वेश्चन नंबर सेवन का थर्ड पार्ट, यहाँ पे कॉस टू एक्स के दो फॉर्मूले यूज होंगे जिससे ये वन दोनों कैंसिलेट हो जाए, तो कॉस टू एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, एक हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दूसरा टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये दो फॉर्मूले हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो सबसे पहले वन माइनस
तो सबसे पहले 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स को यहाँ पे रखेंगे, तो 1 और ये माइनस और माइनस, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला नीचे वाला अप्लाई करेंगे तो बनेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, प्लस और माइनस का 1 कैंसिलेट हो जाएगा, ये भी प्लस का 1 और ये माइनस का 1 ये भी कैंसिलेट हो जाएगा, क्या बचा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स, इस 2 से ये 2 कैंसिलेट हो जाएगा तो क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये होता है हमारा टेन स्क्वायर एक्स आर एच एस, टेन स्क्वायर एक्स ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7 का 4, तो 7 का 4 क्वेश्चन है 1 प्लस साइन 2x माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x प्लस कॉस 2x और प्रूव करना है हमें टेन एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 और माइनस कॉस 2x को एक पास में कर लेंगे, तो 1 माइनस कॉस 2x और प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x और प्लस का साइन 2x। अब हम कॉस 2x का ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे ये 1 कैंसिलेट हो जाए, और इसमें भी ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे कि ये भी 1 कैंसिलेट हो जाए, तो इसमें होगा 1 माइनस 2 साइन 1 प्लस 1, सॉरी ये माइनस का होगा और ये माइनस माइनस, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस साइन 2x का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 को ऐसे ही नोट कर लेंगे, प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे तो होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, प्लस साइन 2x का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस माइनस 1 कैंसिलेट हो जाएंगे, क्या बचा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन, नीचे बचा 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों में कॉमन लेंगे, तो इसमें कॉमन लेंगे 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचा, साइन की पावर है यहाँ पे 2 तो एक साइन निकल गया, तो बचा यहाँ पे साइन एक्स प्लस, इधर से भी साइन एक निकल गया तो यहाँ पे भी बचा कॉस एक्स अपॉन, और यहाँ पे कॉमन हम लेंगे 2 कॉस एक्स। जब 2 कॉस एक्स हमने कॉमन लिया तो स्क्वायर है यहाँ पे, तो एक कॉस एक्स निकल गया तो एक कॉस एक्स बचा यहाँ पे प्लस, और कॉस एक्स निकल गया तो यहाँ पे बचा साइन एक्स, 2 से ये 2 कैंसिलेट हो जाएगा, इससे ये कैंसिलेट हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस ये बचा टेन एक्स आर एच एस, टेन एक्स ही हमें प्रूव करना था।